पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। शिक्षा विभाग द्वारा कुल 1,76,636.84 crore रुपए का उपयोग कर लिया। अब ये एक मिनिस्टर होकर इस नंबर को नहीं पढ़ पाए, फिलहाल ये बहस का एक अलग मुद्दा है, इसमें हम नहीं पढ़ते। इससे आप क्या सीख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि बड़े से बड़ा नंबर आप ना पढ़ पाए। बहुत आसान इसका तरीका है। क्या तरीका है? जो भी नंबर आपके सामने है, राइट हैंड से 3 अंक छोड़कर 1 कोमा लगाओ और फिर 2 अंक छोड़कर कोमा लगाते जाइए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये जो पहले 3 अंक है इनको आप पढ़ेंगे 100 में, जैसे ये क्या लिखा हुआ है 636। उससे अगले जो 2 अंक इसको आप पढ़ेंगे 1,000 में, तो ये क्या लिखा हुआ है 7,000। अगर ये 7 इधर होता तो 70,000 हो जाता, इस तरह से। अब इसके बाद जो कोमा है उसमें हम पढ़ेंगे लाख में, तो ये कितना है 1 है, तो 1,00,000। तो नंबर आपका बन गया 1,07,636। ये कोमा आप ना लगाएं, माइंड में अज्यूम कर लीजिए, तो देखते ही आप नंबर को पढ़ लेंगे 1,07,636। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। और उन्होंने पॉइंट के बाद बोला था 84, जो कि गलत है। पॉइंट के बाद आप नंबर को अंक बाय अंक बोलते हैं, मतलब 0.84 ऐसे बोला जाता है। आप बताएं आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।